हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस मोनोफेसिक लिक्विड्स पार्ट 5। सो लेट्स स्टार्ट। वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म इन विच ड्रग इंस्टॉल्ड इन बॉडी कैविटीज लाइक डाउचेस, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, एनिमास एंड नेजल स्प्रे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप इज ऑब्वियसली अ मोनोफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म, और ये है क्या उसके बारे में देखते हैं। सो दिस आर द सॉल्यूशंस ऑफ ड्रॉप्स दैट आर स्टेंड इनटू द ईयर्स विद द ड्रॉपर। यानी कि ये एक सॉल्यूशंस हैं जो कि ड्रॉपर के थ्रू है, जो कि कान के अंदर स्टिल किए जाते हैं। दे आर यूज फॉर क्लीनिंग द ईयर, सॉफ्टनिंग द वैक्स एंड फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन। ईयर ड्रॉप्स की यूज की बात करें तो इनको तीन तरीके से अपन यूज देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट। फर्स्ट इज टू क्लीन द ईयर, ईयर को जो क्लीन करने के लिए। दूसरा सॉफ्टनिंग द वैक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि सुनने में जो डिफिकल्टीज कॉज होती है क्योंकि जो वैक्स है वो काफी क्वांटिटी में स्टोर होना शुरू हो जाती है, तो फॉर मेकिंग द वैक्स सॉफ्ट एंड रिमूव इट, एंड फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन। या फिर कभी ईयर्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे भी ट्रीट करने के लिए ईयर ड्रॉप्स का यूज किया जाता है। सो द ईयर ड्रॉप्स कंटेन मेडिकामेंट्स फॉर, यानी कि जो भी अपन ईयर ड्रॉप्स बनाते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शंस, यानी कि इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए जो ईयर ड्रॉप्स होती हैं उसमें मोस्टली होता है क्लोरोफिनिकॉल, एन एंटीबायोटिक। सेकेंड वन इज फॉर सॉफ्टनिंग वैक्स, वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए ईयर ड्रॉप्स के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। थर्ड वन इज क्लीनिंग आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद जो ईयर है उसको जो क्लीन किया जाता है यूजिंग स्प्रिट या फिर एल्कोहल, बिकॉज इट इज एन एंटीसेप्टिक। फोर्थ वन इज ड्राइंग व्हिपिंग सरफेस लाइक एस्ट्रीजेंट एंड एल्यूमिनियम एसीटेट। यानी कि जो ईयर है उस अगर वो वीप हो रहा है, बार बार गीला हो रहा है, तो उससे पर्टिकुलर सरफेस को ड्राई रखने के लिए एस्ट्रीजेंट या फिर एल्यूमिनियम एसीटेट का यूज किया जाता है। एंड फिफ्थ वन इज एंटीसेप्सिस एंड एनास्थेसिया, यानी कि उस पार्ट को सूना करने के लिए या फिर जम्स को किल करने के हिसाब से फिनॉल का यूज किया जाता है। डायरेक्शन एंड लेवल की बात करें ईयर ड्रॉप्स के लिए, तो दे नॉट टू बी टेकन बिकॉज ऑब्वियसली इट इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, तो इसे लेना नहीं है, केवल और केवल ईयर में अप्लाई करने के लिए ही बना है। सेकेंड वन इज स्टोर इन कूल प्लेस, इसको कूल प्लेस पे स्टोर करना चाहिए ताकि जो रिएक्शंस हैं या जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। एंड थर्ड वन इज नॉट टू बी डायल्यूटेड विथ वाटर, यानी कि जो डोजेस फॉर्म आपको मिली है डायरेक्ट आपको उसी को ही ईयर में इंस्टॉल करना है, इसको डायल्यूट नहीं करना है। फिर अपन बात करते हैं नेजल ड्रॉप्स की। नेजल ड्रॉप्स आर ऑल्सो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ड्रॉप दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू द नोज विद अ ड्रॉपर। यानी कि जो नेजल ड्रॉप्स हैं ये भी एक्वस सॉल्यूशंस हैं, मोनोफेसिक्स हैं, जो कि नोज के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं यूजिंग अ ड्रॉपर। वाटर यूज एज अ व्हीकल बिकॉज ऑयली व्हीकल इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ सीलिया। यानी कि जो नेजल ड्रॉप्स हैं उसके अंदर मोस्टली जो व्हीकल है वो एक्वस होता है, वाटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर अपन ऑयली व्हीकल यूज करेंगे तो जो सीलिया हैं, जो हेयर्स हैं, वो जो मूवमेंट है वो नहीं कर पाएंगे और ब्लॉक हो जाएंगे, और जो नेजल ड्रेन है वो क्लियर एयर कर रहा है वो क्लियर नहीं कर पाएगा। फिर इट मस्ट बी आइसोटोनिक, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के लिए उसे 0.9% NaCl ऐड करते हैं, क्योंकि जो नेजल है, कैविटी है, उसके अंदर जो सॉल्यूशंस है उसमें एक लिमिटेड बफर कैपेसिटी है। अगर अपन उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो वो इरिटेशन कॉज करेगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू मेक द सॉल्यूशन आइसोटोनिक यूजिंग 0.9% NaCl। अब अपना सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, उस हिसाब से NaCl की कंसंट्रेशन को चेंज कर लिया जाता है। फिर टू मेक विस्कस एज नेजल सिक्रेशन 0.5% मिथाइल सेल्युलोज इज एडेड। यानी कि जो नेजल सिक्रेशन है वो नॉर्मल सॉल्यूशंस, नॉर्मल जो बॉडी कैविटीज है उसके हिसाब से थोड़ा सा थिक होता है, एक ग्रीसी सा सिक्रेशन रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो पेशेंट है उसको इरिटेबिलिटी कॉज नहीं हो जब अपन उसको नेजल ड्रॉप डाल रहे हैं, तो उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए उसके अंदर मिथाइल सेल्यूलोज ऐड किया जाता है 0.5%। एंड pH मेंटेन एट 6.5% यूजिंग फॉस्फेट बफर। यानी कि जो नेजल ड्रॉप्स है उसकी pH को भी मेंटेन करना पड़ता है ड्यू टू बफर सिस्टम या बफर कैपेसिटी, क्योंकि अगर नेजल के अंदर अपन ज़्यादा एसिडिक सिस्टम डाल देंगे या ज़्यादा एल्कलाइड डाल देंगे तो या तो डैमेज करेगा या फिर इरिटेट करेगा। जैसे कि सपोज नेजल ड्रॉप की pH है जो स्लाइटली एसिडिक की तरफ ज़्यादा है, तो लोअर द बफर कैपेसिटी ऑफ नेजल म्यूकोसा। अब इससे क्या होगा, बफर कैपेसिटी है जो नेजल म्यूकोसा की वापस उस pH पे मेंटेन करने की वो कम हो जाएगी वहाँ पे, तो उसको उस pH पे वो ला नहीं पाएगा। दूसरा, अगर अपना जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन pH पर है तो जो सीलिया है वो डैमेज होगी और इरिटेशन कॉज होगा। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें नेजल ड्रॉप्स की, तो लाइक एफिड्रिन HCl इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इसके अंदर क्या रहता है कि जो एफिड्रिन है वो जो नेजल की जो ब्लड वेसल्स है उसको नैरो कर देगी,
नैरो करने से क्या होगा कि जो अपने ब्लॉकेज है, जो बार बार ब्लॉकेज फील होता है, उससे रिलीफ होगा और जो कंजेशन है वो कॉज नहीं होगा. एंड एफिडीन, क्लोरोमीटोन, एनएसिल एंड वाटर इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ दिस फॉर्मूला. लेवल की बात करें तो इट शुड बी स्टोर इन कूल प्लेस, नॉट टू बी टेकन और यूज ओनली फॉर नोज. यानी कि इसको इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना, ये केवल और केवल नोज के अंदर यूज करने के लिए है. यूज की बात करें एफिडीन की, तो दे रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा इन हे फियर एंड कैटरेक्ट. यानी कि जो रनी नोज रहती है या जो इचिंग रहती है, उसमें अगर अपन एफिडीन दें तो क्या करेगा, स्वेलिंग रिड्यूस कर देगा. क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो जो रनी नोज है या हे फीवर वाली जो सिचुएशंस है वो रिड्यूस हो जाएंगी. करते हैं डाउचेस की. तो डाउचेस क्या है? दे आर द मेडिकेटेड सॉल्यूशन यूज फॉर रिंजिंग बॉडी कैविटीज. यानी कि ये सॉल्यूशंस हैं जो कि बॉडी कैविटीज है, लाइक जैसे वेजाइन कैविटीज है, उनको रिंस करने के लिए, साफ करने के लिए काम में लिया जाता है. मोस्टली द वर्ड यूज फॉर वेजाइनल सॉल्यूशन इरीगेशन. मोस्टली ये जो डाउचेस हैं वेजाइनल सॉल्यूशंस होते हैं, वेजाइनल कैविटी को क्लीन करने के लिए काम लिए जाते हैं. क्यों? क्योंकि वेजाइनल कैविटी की जो पीएच है वो स्पेसिफाइड होती है, उससे कम या ज़्यादा होने पे वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है. तो उन्हें इरीगेट करने के लिए, उन्हें साफ रखने के लिए डाउचेस का इस्तेमाल किया जाता है. मोस्टली इस तरीके के कंटेनर में वो दिए जाते हैं और रिंस किए जाते हैं. वेजाइनल डाउचेस मस्ट बी स्ट्राइल. जो वेजाइनल डाउचेस है वो स्ट्राइल होने चाहिए ताकि वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना हो या फिर कोई इन्फेक्शन के चांसेस और ना बढ़े. दे डिस्पेंस एज पाउडर और टैबलेट और इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर डिजॉल्विंग इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वार्म वाटर. यानी कि जो डाउचेस होते हैं, जो इसका केमिकल होता है, वो या तो पाउडर के रूप में, टैबलेट के रूप में या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के रूप में आएगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी कि आपको इतना पानी इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद इसको इंसर्ट करना है यूजिंग दिस स्पेसिफाइड बोटल्स. टाइप की बात करें कि जो डाउचेस हैं वो किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो क्लिंजिंग एजेंट के रूप में यूज हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज हो सकते हैं या फिर एस्ट्रिजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं. क्लिंजिंग एजेंट के अंदर मोस्टली एनएसीएल सॉल्यूशन रहता है, वाले एंटीसेप्टिक के अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, लैक्टिक एसिड एंड क्लोरहेक्सिडीन रहते हैं. एस्ट्रिजेंट में LM1% यूज किया जाता है. लेबल स्पेसिफाइड की अगर अपन बात करें तो दिस शुड बी फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि इंटरनल यूज नहीं हो रहा है, कैविटीज में यूज हो रहा है एंड स्टोर इन कूल प्लेस. फिर बात करते हैं एनिमास की. एनिमास भी एक तरीके से रिंजिंग सॉल्यूशंस ही हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं. सो दे आर एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन और सस्पेंशन. दे आर यूज फॉर रेक्टम फॉर क्लीनिंग, थेरापेटिक एंड डायग्नोसिस पर्पस. यानी कि ये भी एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं और इन्हें रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है, या तो क्लीनिंग पर्पस के लिए, या कोई थेरापेटिक इफेक्ट डालना होगा, या फिर कोई डायग्नोस कुछ पर्पस के लिए इसका होगा. क्लीनिंग प्रिपरेशन आर यूज टू विवेकेट फीकस इन कॉन्स्टिपेशन और बिफोर एन ऑपरेशन. दे एक्ट इन वन ऑफ द टू वेज. यानी कि जो क्लीनिंग प्रिपरेशन होती है एनिमास की, उनका मोस्टली काम ये होता है कि जो फीकल मटेरियल है, अगर सपोज किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो अगर आप एनिमा लगाओगे तो जो फीकल है वो आसानी से उसमें से इवैक्यूएट हो जाएगा, या फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन स्टमक एम्प्टी रखना होता है तब एनिमास दिए जाते हैं उससे पहले, ताकि जो भी फीकल मटेरियल है वो पूरा का पूरा बॉडी से डिस्चार्ज हो जाए. जो ये एनिमास हैं वो दो तरीके से काम करते हैं. पहला तो रहेगा बाय स्टिमुलेटिंग पेरिस्टाल्सिस. यानी कि जब आप एनिमा देते हैं तो जो अपनी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उनको इंक्रीज कर देगा और जो फीकल मटेरियल है उसको जल्दी से बाहर निकालेगा. मैकेनिज्म की बात करें तो दे कॉज ऑस्मोटिक रिटेंशन इन बाउल एंड स्मॉल इन साइज. यानी कि ये जो है ऑस्मोटिक रिटेंशन कर देंगे बाउल की, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो फीकल मटेरियल है बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा. एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम फॉस्फेट एनिमास एंड मैग्नीशियम सल्फेट एनिमा. सेकेंड वन इज दे आर लार्ज इन वॉल्यूम. दूसरा है जो कि लार्ज वॉल्यूम में दिया जाता है, जैसे कि प्लेन वाटर, सॉफ्ट सोप एंड टर्पेंटाइन एनिमास. इसमें क्या रहता है कि मोस्टली कभी कभी जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी गैस एसिडिटी हो जाती है और कंटिन्यू है जो पेट है जो फूलना शुरू कर देता है, तो उस गैस को रिमूव करने के लिए एनिमास दिए जाते हैं और जो फ्लूटुलेंस है या जो गैस एसिडिटी है उसको रिलीफ ये करता है. बात करते हैं बाय लुब्रिकेटिंग इंपैक्टेड फीकस. दूसरा मेथड है ये, इसके अंदर जो फीकल मटेरियल है उसको लुब्रिकेट कर देंगे ताकि जो जैसे सपोज कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई टाइट फीकस हो गया और डिस्चार्ज में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो यहाँ पे ये फीकस को लुब्रिकेट कर देगा और जो फीकल है वो आसानी से डिस्चार्ज होगा, एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन वाली बात. उसमें ऑलिव ऑयल एंड अराचिस ऑयल्स एनिमास यूज किए जाते हैं 100 to 500 ml. एंड थेरापेटिक पर्पज की अगर अपन बात करें कि जैसे कि ये तो हो गया फीकल डिस्चार्ज के लिए या फिर एक तरीके से क्लिंजिंग के लिए. अब अगर थेरापेटिक पर्पस की बात करें कि और क्या यूज़ कर सकते हैं अपन रेक्टल पोर्शन से किसी ना किसी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका देखते हैं. सबसे पहले हैं सिडेटिव्स. सिडेटिव्स में क्लोराहाइड्रेट या फिर पेरहाइड्रेट देते हैं. सेकेंड इज एंथेलमेटिक्स,
कोई वॉर्म अगर क्रिएट हो गया है स्टमक में, तो भी अपन रेक्टल रूट से दे सकते हैं यूजिंग एनी मास्क लाइक क्वासिया फॉर एक्सपोजिशन ऑफ थ्रेड वॉर्म्स. क्वासा ही देते हैं थ्रेड वॉर्म को निकालने के लिए. थर्ड इज एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स. सपोज वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन कॉज हो गई है कोई माइनर सर्जरी के थ्रू, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जो कि अल्टरेसिव कॉल्टस में काम आती है. एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रिएंट व्हेन एब्जॉर्प्शन बाय माउथ इज इम्पेड, यानी कि कभी कोई न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट अपने को रेक्टल पोर्शन से देना हो तो. एडमिनिस्ट्रेट यूजिंग डाउचे स्कैन, ये भी है जो कि डाउचे स्कैन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं. एंड डिस्पोजेबल बैग्स आर आल्सो अवेलेबल लाइक पॉलीथीन्स एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जो एनिमल्स हैं इनको भी डाउचे स्कैन के अंदर ही थ्रो करके बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है. लेबल्स की बात करें तो नॉट टू बी टेकन और फॉर रेक्टल यूज ओनली, यानी कि इनको इंसर्ट नहीं किया जाता है, इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जाता, ये केवल और केवल रेक्टल यूज के लिए हैं. एग्जाम्पल की बात करें तो अगैन वो कैटेगरी वाली बात कि NaCl फॉर क्लिनजिंग या फिर पर्टिकुलर कोई डायग्नोस्टिक पर्पज लाइक पर हेल्डिहाइड. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.